हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के भाग चार के बारे में। ठीक है कि भारतीय संविधान के भाग चार में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है और भाग चार के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद आते हैं और उन सभी अनुच्छेद के बारे में एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग नंबर चार में राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ये VVI टॉपिक है, नीति निदेशक तत्व। ठीक है, संविधान के भाग नंबर चार में राज्यों के नीति निदेशक तत्व के बारे में उल्लेख किया गया है और इस भाग चार के अंतर्गत अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक, ये जितना भी अनुच्छेद हैं 35 से लेकर 51 तक, ये सभी संविधान चार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में दिया गया है और उसके अंतर्गत 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल दिया गया है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे 36 में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व का परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को किस तरह से लागू करना है उसके बारे में दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को किस तरह से बनाए रखना है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति जो है नीति तत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 39 में और 39 के क में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। किसमें? संविधान के भाग नंबर चार के आर्टिकल 39 के क में। इसके बाद आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं यानी दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के उपबंध में बात की गई है। किसमें? आर्टिकल नंबर 42। इसके बाद आर्टिकल नंबर 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 43 के क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना यानी कोई भी उपबंध उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 43 के क में। इसके बाद अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में अनुच्छेद 47 में बताया गया है। इसके बाद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से रिलेटेड बातें कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 48 में। इसके बाद 48 के क में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों को रक्षा करने के लिए बताया गया है कि किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे
और वन में रहने वाले जीवों की किस तरह से रक्षा करना चाहिए। ठीक है, इसका प्रावधान जो है 48 से कम किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों यानी स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण स्मारक है या महत्वपूर्ण स्थान है या महत्वपूर्ण वस्तु है उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। इसके बारे में संविधान के भाग 4 के आर्टिकल नंबर 49 के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 50 यानी 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकरण यानी अलग जो है अलग करने के लिए इसमें विधि बताया गया है कि इसमें आर्टिकल नंबर 50 में। इसके बाद आर्टिकल नंबर 51 यानी 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिव्यक्ति अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। इसके बाद 51 का जो क है उसमें मूल कर्तव्य के ऊपर कुछ बातें कही गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संविधान के भाग नंबर 4 के बारे में और उनके अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है सॉरी आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग भाग 5 के अंदर आने वाले जो भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।